हाय गाइस, आज हमारा है चौथा दिन। आज हम अपने शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे, अपने शोल्डर्स को मजबूत करेंगे। कंधों पे हमारे वैसे भी बहुत ज़्यादा बोझ है, तो उनको हमारे को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। बैक हम अपनी मजबूत कर ही चुके हैं, तो 8 एक्सरसाइज यार मैं रिकमेंड करूँगा। और आज क्योंकि हमारा शोल्डर है, बहुत बड़ा बॉडी पार्ट नहीं है, छोटा बॉडी पार्ट है, तो आज सुबह मैं रनिंग कर चुका हूँ। 10 से 15-20 मिनट मैं करता हूं, लेकिन आप जितना अपने लिमिटेशंस हो, आप 5 मिनट भी अगर जॉग करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप मिनिमम अगर आप 10 मिनट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और खाली पेट जॉगिंग ज़रूर करें। और अगर आप सुबह मिस कर चुके हैं तो फिर आज आप जब ये शोल्डर स्ट्रेन कर लें तो 10 मिनट आप अपने ट्रेडमिल पे, अपने जिम में ज़रूर दें। हम पहले लाइट वार्म अप करेंगे। वार्म अप में हम मशीन प्रेस करेंगे हम 2 सेट, उसके बाद हम डंबल फ्रंट रेज करेंगे 2 सेट और प्लेट रेज करेंगे 2 सेट। ये हम 3 एक्सरसाइजेज हम अपना थोड़ा सा शोल्डर्स को वार्म अप करने के लिए। शोल्डर एक बहुत ही डेलिकेट पार्ट है, तो हमें आर्म्स को रोटेट करना है, आर्म्स को स्ट्रेच करना है ढंग से शोल्डर को वार्म अप करके, तब हमें हैवी शोल्डर एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी है। और पहली एक्सरसाइज में जो हमारी स्मिथ मशीन है, वो एक हैवी एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि हम अपना जो वार्म अप है उसमें हम 2-2 सेट जो हम करेंगे वो स्लो मूवमेंट हो, ताकि हमारे मेन एक्सरसाइजेस स्टार्ट होने से पहले अच्छी तरह से शोल्डर्स वार्म अप हो जाएं। पहली एक्सरसाइज करेंगे हम स्मिथ मशीन प्रेस, उसकी जगह आप मिलिट्री प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्मिथ मशीन आज रिकमेंड करूँगा। मे बी नेक्स्ट सेट जो हमारा होगा उसमें आप मिलिट्री प्रेस करें। सेकेंड हम करेंगे सीटेड डंबल ओवरहेड प्रेस। हम सीट इंक्लाइन करके ये मैं वीडियो में दिखाई चुका हूँ आपको, ओवरहेड प्रेस करेंगे डंबल के साथ। 4 सेट करेंगे हम इसके और 8 से 12 रिपीटेशन निकालने की कोशिश करेंगे। लास्ट सेट हैवी होगा और हैवी के बाद ड्रॉप सेट होगा। ड्रॉप में हम मैक्सिमम वेट को ले जाते हैं, फिर मैक्सिमम के बाद जितना वेट होता है उसका हाफ वेट हम मैक्सिमम रिपीटेशन ले जाते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद तीसरा हम करेंगे डंबल लैटरल रेज। चौथी हम करेंगे रिवर्स पेग टेक। पाँचवीं हम करेंगे केबल फ्रंट रेज। छठी हम करेंगे फेस पुल और सातवीं हम करेंगे डंबल श्रग्स। और 8 लास्ट में अगर हमारे पास थोड़ी बहुत एनर्जी रहती है तो हम कोशिश करेंगे कि 100 या 50 पुशअप कर पाएँ, क्योंकि पुशअप्स एक बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर मेन, और उससे आपके हमेशा शोल्डर्स, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। जब आपका पम्प्ड अप रहेगी बॉडी, आपके चेस्ट पम्प्ड अप रहेगा, शोल्डर्स, बाइसेप्स, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा कपड़े पहनने में भी। और इधर उधर अगर आप कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में, उससे पहले भी अगर आप एक्सरसाइज करके जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको। एक्सरसाइज ख़त्म होते ही आप अपना जो वे प्रोटीन है, मैं वैसे प्लांट प्रोटीन लेता हूँ, लेकिन आप अगर वे लेते हैं या प्लांट, आप वो आप पर डिपेंड करता है, सबकी बॉडी टाइप अलग है। किसी को वे प्रोटीन के रिजल्ट्स एनी डे फास्ट हैं, तेज़ हैं, अच्छे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा एक्ने प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा पिंपल्स हो जाते हैं या ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो इसलिए मैं प्लांट प्रोटीन ज़्यादा लेता हूँ। और आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप जो भी प्रोटीन लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन जो आप पाउडर यानी लिक्विड फॉर्म जो हम प्रोटीन हम एक्सरसाइज के बाद इंस्टेंट लेते हैं, वो हमारी बॉडी में इंस्टेंटली लगता है, इसलिए प्रोटीन की जगह आप ये मैं नहीं कहूँगा कि आप 5-6 अंडे खा रहे हैं या फिर आप मतलब सॉलिड अगर आप खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए हम प्रोटीन शेक्स मैं कहूँगा कि आप ज़रूर लें। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि प्रोटीन स्टेरॉयड होता है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटीन होता है, और वो आपकी मर्ज़ी, आप वे प्रोटीन लेना चाहते हैं, प्लांट प्रोटीन लेना चाहते हैं, कई लोग एक प्रोटीन लेते हैं, या सबका अपना मर्जी है, आपकी अपनी बॉडी टाइप है। बट जिसको दूध से या फिर वे प्रोटीन से कोई एलर्जी है तो फिर वो प्लांट प्रोटीन पर शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि मैं।